तो आज दिग्गजों ने नामांकन भी किया और उन दिग्गजों के नामांकन में दिग्गज भी नजर आए, लेकिन एक सीट राजसमंद सीट, वहां पर दिया कुमारी को टिकट दिया गया, लेकिन दिया कुमारी के 15 बैंक खाते, 16 करोड़ की संपत्ति के मालकिन, लेकिन क्या वाकई में आप यकीन कर सकते हैं, एक भी कार नहीं, यानी एक भी चौपहिया वाहन नहीं। 2013 विधानसभा चुनाव के वक्त राजघराने से जुड़ी दिया कुमारी की संपत्ति कुल 9,64,00,000 थी, लेकिन दिया कुमारी के 6 साल में 6,95,00,000 की संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन गाड़ी नहीं आती। रिपोर्ट। राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक राजकुमारी दिया कुमारी की संपत्ति साल 2013 विधानसभा चुनाव के वक्त कुल 9,64,00,000 थी, जबकि 2019 में उन्होंने खुद के पास 16,59,00,000 रुपए होने का दावा किया। सोमवार को दिया कुमारी के नामांकन दाखिले के बाद मंगलवार को हलफनामे से उनकी संपत्ति के बारे में खुलासा हुआ। हलफनामे में दिया कुमारी ने पिछले 5 साल की आय का ब्यौरा दिया है। उनके मुताबिक पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति करीब 6,95,00,000 रुपए बढ़ गई है। दिया ने हलफनामे में किया संपत्ति का खुलासा। 2 FD, 12 सेविंग अकाउंट और 3 करंट अकाउंट है। सभी बैंक खातों में कुल 1,71,64,847 रुपए है। इसके अलावा करीब 12,49,00,000 के शेयर और फंड खरीद रखे हैं। करीब 1,08,00,000 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इन्वेस्ट किए गए हैं। उन्होंने एफिडेविट में दावा किया है कि उनके पास किसी तरह की कोई कार नहीं, एयरक्राफ्ट, जहाज या यॉट भी दिया के पास नहीं है। दिया कुमारी के पास कुल 64,88,421 रुपए की ज्वेलरी है। 92,440 रुपए कैश इन हैंड भी दिखाए गए हैं दिया कुमारी ने। दिया की शिक्षा दीक्षा। दिया कुमारी ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से की और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर से की। इसके बाद लंदन के पार्सन आर्ट एंड डिजाइन स्कूल में पढ़ाई की। 1989 में फाइन आर्ट डेकोरेटिव पेंटिंग में डिप्लोमा किया। दिया का राजनीतिक सफर। दिया ने 2013 में सियासत में भी कदम रखा। 2013 में वो बीजेपी से जुड़ी और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। दिया ने सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बनी। विधानसभा चुनाव 2018 में दिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पारिवारिक कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से किया था इनकार। दिया कुमारी पूर्व राज परिवार महाराज सवाई भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की इकलौती बेटी है। चुनाव आयोग के सख्त नियमों के चलते सभी प्रत्याशियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इसके चुनाव आयोग अपने स्तर पर भी जांच कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दिया कुमारी अपने आप में एक सेलिब्रिटी के तौर पर राजस्थान में देखी जाती हैं, लेकिन क्या वाकई में उनके पास गाड़ी का नहीं होना, ये दरअसल